ट्रैफिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको दीवा खरडी रोड स्थित ओम साई ग्रुप बिल्डर द्वारा साई कनिष्क का प्रोजेक्ट बनाकर 73 फ्लैट धारकों के साथ जो ठगी की गई है उसकी हमने आपको खबर बताई। हम जब ये खबर करने वहां गए थे तो हमारे जाने के बाद सूचना मिलने पर काफी लंबे अरसे बाद बिल्डर महेश पटेल और उनके पार्टनर सुरेश पटेल भी वहां पहुंचे। पहले महेश पटेल आए, फिर सुरेश पटेल आए। उस दौरान हमने इन ठगे गए फ्लैट धारकों और महेश पटेल जो बिल्डर है उनसे बातचीत कराई। कैसी ये बातचीत हुई, क्या हुआ इनके बीच, देखिए। पटेल साहब आइए ना, 2 मिनट बाहर आइए ना। पटेल साहब पटेल साहब क्या प्रॉब्लम है ये? इतनी सारी शिकायतें हैं बायर से, 2015-16 से, 2013 से। आप जो है बात करते हैं इसमें, रिजॉल्व कीजिए इस प्रॉब्लम को। यू आर अ रेपुटेड बिजनेसमैन। थैंक यू वेरी मच, यू टोल्ड मी दिस बिफोर यू स्टार्टेड। सर ये कैमरा आप चालू रखिए, मतलब पूरा नहीं नहीं वो लाइट चालू है, उसका लाइट चालू, बंद कर दो। मतलब क्या है, फ्लैश चालू कर दो। सर ये मैंने प्रोजेक्ट लोन लिया। अच्छा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। 2013 में मैंने काम कर लिया। 2014 में मैंने प्रोजेक्ट लोन लिया। प्रोजेक्ट लोन लेने के बाद इसमें दीवान हाउसिंग का जो था 2017 में इन लोग बैंक करप्ट हो गए। अच्छा, और दीवान हाउसिंग की वजह से ये मेरी स्थिति आई है, ये एक पहला मुद्दा। सेकंड मुद्दा, ये जो प्रॉपर्टी मैंने ली है वो जेबी में ली है। तो पद्माकर, लक्ष्मी पद्माकर पाटिल, उनका बेटे है शक्ति पाटिल, उनके साथ लास्ट मंथ में ही मेरी पुलिस चौकी में सेटलमेंट हुई है। अच्छा, वो जब भी मैं काम चालू करता हूँ, फेज वन में मैंने इधर रास्ता बनाया था, गार्डन बनाया था, ये बनाया था, सब बनाया था सर, तभी जाके उसने रास्ता खोद दिया। लैंड ली हुई है डेवलपमेंट, रजिस्टर एग्रीमेंट है, आगे का फेस का भी पैसा दिया हुआ है 1-1.5 करोड़ का, पर वो आदमी सेटिस्फाइड हो नहीं रहा और इस वजह से मेरी ये स्थिति है। और मेन क्या हो गया, DHFL बैंक पर होने की वजह से ना वो सब है कोर्ट में, इट इज़ एन NCLT केस, मेरे पास कोई राइट्स नहीं है, मैं किसके जाके बात करूँ? मेरे को कोई आप में से कोई है तो DHFL में लेके जाओ, मैं सेटलमेंट करने को रेडी हूँ। अभी इसमें क्या था, मुझे उन्होंने 20 करोड़ की लोन पास की थी स्टार्टिंग में, 20 करोड़ के बाद उन्होंने 17 करोड़ का लोन पास करा। 17 करोड़ के बाद सर ये चीज़ ऐसी आई कि हमने पहला 35 लाख रुपये उनको प्रोसेसिंग फीस दिया। अच्छा, 17 करोड़ का 2%, वो प्रोसेसिंग फीस हमने पूरी दे दी सर उनको। और उसके बाद सर ये एक एक स्थिति खराब होते गई कि हमने उसमें से 17 करोड़ में से 11 करोड़ 75 लाख रुपया लिए और 10 करोड़ 50 लाख के ऊपर मैंने चुका दिया है। अच्छा, 1 करोड़ 60 लाख या 1 करोड़ 70 लाख रुपए के हिसाब से ब्याज के साथ मेरे बुक में 4 करोड़ है ब्याज के साथ में, वो मुझे 15 करोड़ की नोटिस मारा है। तो ये वजह से सर ये डिस्प्यूट हो गया है। और काफी लोग हैं इसके लिए, हम लोग भी कह रहे थे बाहर आ जाते हैं। अच्छा सर, मुझे एक दो बातें, आइए बाहर आते हैं, बात करते ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए। आप महेश पटेल हैं? मैं महेश पटेल। मेरा बोलने का मतलब है कि 2013 में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 2013 के मैं प्रोजेक्ट के अंदर सर, ये प्रोजेक्ट चालू होने के बाद सर प्लीज 1 सेकंड रिमूव योर मास्क, मास्क निकालो सर, ओनली फॉर दी 1 सेकंड सर, निकालो ये लीजिए। ओके, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके महेश जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोसीड। आपकी सबकी रिस्पेक्ट करके वापस आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और माफी चाहता हूँ सबसे। मुझे बात करने दीजिए, आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं, एक मिनट रुकिए रुकिए, आप मुझे बोलने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ फिर आप, मला बोलू द्या, मी बोलतो पहिला, तुम्ही तुम्हाला वाटलं त्यानंतर आपण बोलूया। मी प्रत्येकाच्या एकेकाला भेटायला पण रेडी आहे आता, ओके, मला काही इश्यू नाही। पहिली गोष्ट, हा प्लॉट मी 2012 जेवीमध्ये घेतला होता, लक्ष्मी पद्माकर पाटील आणि उत्तम मात्रे ही परिवार करून मी घेतला होता। हा 107 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट होता आणि तो प्लॅनपास झाला महानगरपालिकाचा, शासनाच्या रियल नियम अनुसार ते सगळं केलेलं आहे, काही काम इनलिगल करत नाही आहे। पहिली गोष्ट ही, रेरा रजिस्टर होता, रेरा जेव्हा आला तेव्हा 2013 रेरा नव्हता, त्यानंतर जेव्हा रेरा आला तेव्हा रेरामध्ये पण आम्ही अपडेट केलं आणि सगळं सबमिशन केलं आणि सगळं ड्यू डिलिजन्स केलं होतं। Because of DHFL project loan, I'm again and again saying this,
तुम्ही हाउसिंग लोन घेतली ती वेगळी आणि प्रोजेक्ट लोन तो वेगळा असतो. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. प्रोजेक्ट लोन हा बिल्डरसाठी असतो की तो काम कधी अटकत नाही त्यासाठी प्रोजेक्ट लोन घेता येतं. तुम्ही हाउसिंग लोन जे डीएचएफएलकडून घेतलाय तो हाउसिंग वेगळा आहे, प्रोजेक्ट लोन वेगळा आहे. प्रोजेक्ट लोन मी घेतला होता त्याच्यामध्ये बँक डीएचएफएल दिवान हाउसिंग बँक बाबा वाधवान आणि कपिल वाधवान ह्यांचं बँक करप्ट झाली आणि बँक बंद झाली. 4-4.5 वर्ष झाले या गोष्टीला आणि त्यासाठी 2017 पर्यंत माझं सगळं काम चालू होतं. मी त्यांना वारंवार नोटीस पाठवली की वन टाइम सेटलमेंट मला करून द्या, तरी पण OTS त्यांनी केलं नाही. मी त्याला सांगितलं की थर्ड पार्टी क्रेड इंटरेस्ट झालेला आहे, लोकांचे गोरगरिबाचे पैसे आहेत, मी पण आज त्रासमध्ये आलो आहे, तुम्ही मला NOC द्या आणि मी काम करायला तुमच्याबरोबर ह्यांचं सगळं करायला रेडी आहे. त्यांनी माझं ऑफर लेटर पण घेतलं, ते ऑफर लेटर पण माझ्याकडे आहे की मी दिवान हाउसिंगमध्ये कितीदा गेलो आहे, माझ्याकडे महेशजी एक मिनिट मी तुम्हाला इथे थांबवतो. एक मिनिट मी इथे थांबवतो. प्रोजेक्ट लोन हा तुमचा प्रश्न आहे? नाही नाही असं नाही. ऍज अ बिल्डर हा तुमचा प्रश्न आहे, हा तुमचा प्रश्न आहे. बायरचा प्रश्न नाहीये तो, बायरचा प्रश्न नाहीये. बायरला त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या रकमेचं इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना महेश भाई, इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. महेश भाई का आन्सर मैं बताता हूँ. 2013 से मैंने प्रोजेक्ट को ये किया, ब्लाबला किया DHFL से. यस, घर बनाने के लिए DHFL ने इनको पैसा दिया, वॉट एवर. ओके, इनका मैंने अंडरस्टैंड किया. जो मैंने इनको पैसा दिया उसका क्या? एक मिनट मेरी बात पहले सुन लो. जो मैंने इनको पैसा दिया जी, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई 11 मंजिल है ना तेरा, 70% ले. DHFL का किधर 70% गया महेश भाई? मेरा पैसा गया ना. और आपने ओपनिंग सेरेमनी के वक्त जो है स्कूटी बांटी, कारें बांटी, क्या क्या बांटी. ठीक है, आप बोलिए. प्रश्न था, मैंने लोन कितना लिया सर? 11.75. मैंने 10.25 करोड़ रुपया भर दिया है. पहली बात आप सुनना मेरी बात, जो आपके पैसे आए ना सर, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखता है ना, ये स्ट्रक्चर पे कितना पैसा लगा उसका ऑडिट रिपोर्ट रहता है. रिपोर्ट और स्टेटमेंट है क्या अपने पास? મુસ્લિમ બુકિંગ લેવાની નથી. ખોટી વાત છે. ખોટી વાત છે. સાહેબ આ વાત ખોટી છે. મેં બધા ભાઈ ખોટી છે. ફર્સ્ટ ફેઝ માં ભી મુસ્લિમ છે, સેકન્ડ ફેઝ માં ભી મુસ્લિમ છે. આ વાત કોને કીધી તમને? બધાય કહી છે. આ વાત નથી, આવી તો વાત નથી, ખોટી વાત છે. અરે મહેશભાઈ બધા સ્ટેટમેન્ટ રોંગ આપે છે સર. યે બાત મત કીજીએ, મેં મુસ્લિમ કી રિસ્પેક્ટ કરતા હું. બાત સામને આઈ હે મહેશભાઈ, ઇસકે લિયે રેકોર્ડ પે કહે રહે હમ. ઇસલિયે ઓન રેકોર્ડ કહે રહે હમ. ઇશ્યુ બના રહે હમ. નહીં કર રહે, હમ નહીં કર રહે. સોરી, યુ મેકિંગ ઇટ. કિસને બોલા બતાઓ મેરે કો? યુ મેકિંગ ઇટ. નો, આઈ એમ નોટ સેઇંગ નો. સર પ્લીઝ, મેરે કો મેરે કો ક્યા બોલના હૈ? દેખો બતા રહે ના, એક મિનિટ તો બતા રહે. તાઈ ભી બતા રહી હૈ, શુક્લા જી ભી બતા રહે. आरती शेट्टी ने बताया? नहीं, सॉरी, एक मिनट मैं वापस बता रहा हूँ. देखो इधर, सॉरी सुनो, नहीं मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सब गलत बात. ठीक है वही महेश जी वही कम टू द कंक्लूजन. लिव इट कम टू द कंक्लूजन. कैसे आप इनको मकान दे रहे, कब तक दे रहे, वो बोलिए. अभी आ रहा हूँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जो अभी रेरा के अंदर स्टार्टअप है, मैं अभी इधर आपका कंसर्न साइन करके काम चालू कर रहा हूँ. पहली बात, एक मिनट सुनिए मैं पूरा कर दूँ सर. मैं पूरा, आप जभी मिले मेरे को साइट पे, आप मिले हो सर, आप मुझे पता है. लेकिन मैं मिला हूँ कि नहीं, आपसे बात किया कि नहीं सर? सर एक मिनट सुनिए ना सर, आपका जाहिर है सर, मैं आपके जगह पे रहूंगा ना तो भी मेरा भी यही आएगा सर. आज मैं भी किधर पैसा लगाऊंगा ना, और अटका को इधर अटके हुआ मेरे को पता है क्या स्थिति है सर. हम अरे सर सर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जरा डिस्टेंस पे बात कर रहा हूँ. हम लोग ये काम सर
ये मंथ एंड में है ना, सबका कंसर्न लेके रेरा में अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि रेरा में ये आपका अपडेशन हमारा खत्म हो गया है। अभी जो आप ये काम करोगे सर, इसके ऊपर लोगों की लोन है। आपको कैसा आज तक इतने सालों के अंदर कभी डिमांड गया क्या सर? मैं दो दो प्रश्न पूछूंगा मेरे कंपनी का डिमांड आया आपको? सर एक मिनट, एक मिनट, छत पड़ा नहीं, मैं पेमेंट कर चुका हूं। सर मैं क्या बोल रहा हूं, अभी रुकिए ना, मैं बोलूं सर, आठवीं फ्लोर का बुआ ने पेमेंट दे दिया है, आपने गलत सूचना दे रहे हैं ना। बात वाला बात करने को नहीं देगा, बात करने दो। मैं वापस एक बोल रहा हूं, इनका क्या मोटिव, मेरा मोटिव क्या है, उसके बाद में यू कैन गेट अ प्रूफ। 100% I will provide the proof, sir. बराबर है सर, not my and yours. हम एक मिलके सर, आप और मैं मिलके काम करेंगे तो होगा, आप मेरे को आप पॉइंट आउट करेंगे तो नहीं होगा सर। हम लोग काम एक मिनट, महेश भाई का क्या है मैं बता रहा हूँ पूरी। महेश मैडम, महेश भाई का बातों के पीछे एक ही कंक्लूजन है कि तुम्ही मला कंसर्न लिहून द्या की रेरा मध्ये एक्सटेंड करणार, तर आतापर्यंत का चुली मध्ये 1,00,000 गाबे होत होता। See, this is a bad word. I'm not talking. Sorry, माफी चाहते हैं। Sorry. आपको sorry. You will give the bad words to me. I'm sorry. छोटा सा सवाल, दिसंबर में सबको एक लेटर आया है, ये तारीख तक मैं घर चले, एक हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अभी सर वो लेटर का बेसिस क्या, मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो ओनर्स है मेरे, ये प्रॉपर्टी के अंदर 5 का 6, 5 का 8 को छोड़ के 5 का 5 का ब, लक्ष्मी पद्माकर पाटिल, ये इन्होंने मटेरियल डालने के लिए अपने पास से राइट्स लिया हुआ था, उसने बाजू वाले का भी राइट्स लिया हुआ था। और हम लोग जब भी मटेरियल डाल के काम चालू करते तो उनके बेटे, 3 बेटे हैं, वो आके निसंस पैदा करते हैं। इसके लिए सर उस टाइम पे हमने यहाँ पे कंप्लेंट की पुलिस चौकी में, और हमने बैकअप मांगा सर। उन्होंने मुझे बोला कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप काम चालू करो पुलिस चौकी में। फिर यहाँ के लोग जो बड़े लोग थे, नगर सेवक, आमदार, ये सब लोग की मीटिंग हुई पुलिस चौकी में ओनर के साथ, और बोला भाई इसको काम करने को दो, आप काम करने को नहीं दोगे तो तकलीफ हो जाएगी। कौन सा आमदार था सर? नगर सेवक था हीरा पाटिल और बाबाजी पाटिल, आमदार साहब उनके साथ में फोन पे थे सर, मैं बता रहा हूँ। इन लोग सब लोग ने, गांव के लोग नहीं है, इन लोग बाबाजी पाटिल और हीरा पाटिल थे, और आमदार साहब का उनको फोन आ रहा था, मुझे इतना मालूम है। दो नगर सेवक, दो नगर सेवक और हीरा पाटिल, हाँ नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि उन लोग फोन पे बात कर रहे थे। मुझे पुलिस चौकी में बुलाया गया, मैंने उनके साथ में सेटलमेंट की। अभी भी मैंने उनको जो है ना सर, ये जो माल देना था उसका परसेंटेज मैंने उसको दिया है सर। आज भी मैं ये थर्ड मेरा फर्स्ट फेज का पोजीशन दिया ना, रास्ता नहीं बना पा रहा हूँ सर। जब मैंने पैसा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, मैं उसको कितना रिक्वेस्ट किया, क्या किया मुझे मालूम। आज मैं तो भी, मुझे इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे काम चालू करना है। DHFL का मैटर सर वो है स्टैंड। आज हम लोग ने, मेरा SBI से लोन पास हो चुका है पूरा का पूरा, ये बिल्डिंग पूरा करने के लिए। जो लोग NPA, डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं 100% सर, वाई नॉट, आप वेरी गुड, मेरे को पूछा, मैं आपको दिखा सकता हूँ सर ये डॉक्यूमेंट। स्वामी फंड जो नॉन परफॉर्मिंग पर्सन है सर, आज के तारीख में लोन कब पास हुआ था? नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। नॉन परफॉर्मिंग पर्सन NPA जो होता है, जो जैसे मैं आज NPA हो चुका हूँ, ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है NPA प्रॉपर्टीज है, बिकॉज इसके लिए गवर्नमेंट ने स्वामी फंड करके अरेंज किया है। स्वामी फंड से मेरे को 30-35 CR का फंड मिलने को रेडी है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, DHFL बैंक बंद होने की वजह से ये केस कोर्ट में गया है, तो कोई भी सर है ना उसकी NOC देने वाला आदमी नहीं। अभी पीरामल साहब, जो पीरामल है, वो DHFL को टेक ओवर कर रहे हैं, और वो जब टेक ओवर करेंगे तब सबको NOC मिलेगी सर। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे हुए, 2 साल लग सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए ना सर, ये प्रोजेक्ट लोन है, ये पर्सनल लोन नहीं है, हाउसिंग लोन नहीं है। प्रोजेक्ट लोन का जरूरत क्यों पड़ा जब आप लोगों का पैसा? नहीं, ऐसा नहीं रहता सर, वो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, एक मिनट सर, वो क्या हो गया सर, आपको मैं बताता हूँ। आज भी मेरे पास है ना सर, मध्य इन्वेंट्री बाकी है, मैं सगड़ सोल्ड नहीं की। अरे सर, एक आप सुनिए तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपको 1.5 साल के अंदर
से 2 साल के अंदर ये बिल्डिंग पूरी दिख जाएगी। आपको बोल रहा हूँ रेरा के अंदर 1 मिनट जब अपडेशन होता है सर मी एज पर लॉ आणि एज पर एज्युकेशन ची गोष्ट नाही करत आहे हे प्रत्येकाला तुम्ही जसे पैसे लावले सर मैं एग्री करती हूँ हर एक चीज लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना इनका सबका मेरे को एक ही सवाल आपसे बोलिए बहन आपने 1.5 से 2 साल अभी उससे बोला ना आज के डेट हाँ जी सर आप मुझे कहीं पे ये लिख के दे दीजिए 100% आप सुनिए अभी जितने लोग रेंट पे रह रहे हैं आज से लेके आगे तक का जब तक का डिले तब तक का रेंट आप पे करेंगे उनका यस करेक्ट एग्री कर रहे हैं नहीं सर नहीं तो फिर गलत तो फिर हम नहीं रुकेंगे सर आप आगे आप मीडिया से 1 मिनट मुझे बताइए उनकी जायज मांग है बोलो सर लेकिन आज के तारीख में मेरे पास पैसे होते ना बहन तो ये बिल्डिंग आपको रुकी हुई नहीं दिखती सर आज मैंने मेरा खुद का घर 1 मिनट आप ये बोल रहे हो ना सर मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं मेरे घर के सेल फ्लैट के एग्रीमेंट आपको दिखाता हूँ सर मैं माझा स्वतः फ्लैट विकून याच्यात पैसे टाकले आहेत ही आलिशान गाडी सर तुम्हाला वाटते या इथे त्याचं सीट फाटले मी काय म्हणतो मी काय म्हणतोय त्यांना रिलीफ काय मग मी तुम्हाला तेच सांगतोय सर त्यांना जे रिलीफ आहे ईएमआय हम लोग जो भर रहे सर मैं ने आपको ऑर्डर दिया तो फिर आप ट्राइब्यूनल में क्यों जा रहे हैं तुमच्या बरोबर हे जे काय होत आलंय पाणी आणा पहिले तुमच्या बरोबर हे काय जे होत आलंय डीएचएल बरोबर किंवा कुणा बरोबर काही की तुमच्याकडे पैसे नाहीत तुम्हाला तुमचं घर विकायला लागलं तुम्ही आम्हाला सगळ्याला कोणा बोलून 2012 पासून जर तुम्ही बुकिंग घेतली आहे 2016 पासूनचं प्रदेशन आहे 2017 पासून प्रदेशन तर त्या त्यावेळी तुम्ही आमच्या सगळ्या लोकांना का नाही बोलवलं साईड वरती आणि आम्हाला काय इन्फॉर्म केलं नाही त्याच्यामुळे आमचे 2-4 लोक मेलेले त्याला जबाबदार कोण त्यांचे वडील गेले काही या समोर या पुढे या थोडं पुढे या बरोबर आहे त्या धक्क्यात गेले सर माझे फादर अँड लोक गेले माझे वडील गेले 1 मिनिट मी आज पण तुमच्या समोर उभा आहे काय बोलतो पण माझा प्रश्न तुम्हाला काय म्हणजे मी बाजूला चिकवतो पोरा माहिती आहे मी इथे पोराला घेऊन यायचो पण तुम्ही मला कधी कॉन्टॅक्ट केला गायकवाड तुम्ही या गायकवाड साहेब मी तुम्हाला परत सांगतो आता नाही बात बोलू बात सुनी आप मेरी बात सुनी मैं आज भी पूरा कर रहा हूँ प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ आप ये सब बात करोगे तो बात करना कैसे काम करो तुम्ही एक काम करा फक्त मेहरबानी इमिजिएटली इन्फॉर्म करा की मी हे प्रोजेक्ट पूर्ण करू शकत नाही पैसे महेश भाई बोल रहे हो ना वो 2 साल के बाद भी आप यही बोलोगे कि और 2 साल के बाद मैं करूंगा बात करते नहीं वापस से बात बोल रहा हूँ सीता जी 1 मिनट महेश जी एक सवाल ये देखिए ये नफीस 1 मिनट आ गया ये 1, 2, 3 वो भाई वहाँ रुमाल बांध के खड़े हैं 5 हम लोग आए ना ये आपकी बिल्डिंग के रहने वाले ये फ्लैट ओनर से ठीक है और ये अपने हाथों से क्लीनिंग कर रहे थे व्हाट अबाउट मेंटेनेंस 2 साल का मेंटेनेंस आपने उनसे लिया और आज खुद उनको साफ करना पड़ रहा है जब स्थिति ऐसी है महेश भाई तो ये इतना बड़ा मसला कैसे हल होगा मुझे बोलने दोगे आप मुझे बोलने दोगे व्हाट इज दिस क्या हुआ पोजीशन दे दिया हां इनका मेंटेनेंस आने का बाकी है
ये एकनाथ शिंदे साहब के पास गए थे 15 दिन पहले, मैं एकनाथ शिंदे साहब के पास जाके बैठ के आया। अच्छा। डिसाइड हुआ कि आपको मेंटेनेंस देना है, इन लोग नहीं दे रहे, 37 लाख रुपए इनका पेंडिंग है सर, मैं कभी तक पैसा डालू सर? पोजीशन दे दी आपको तो नहीं, लेकिन वो तो कह रहे 2 साल का मेंटेनेंस दिया हुआ है। जो पानी का लाइन है, एक मिनट सर, मैं वापस बोल रहा हूँ, पानी की जो लाइन है अभी आई, 5 साल से लाइन डाल के रखी है सर, आप टैंकर से दे रहे हैं, आप टैंकर से प्रोवाइड कर रहे हैं, पोजीशन दिया है सर लोगों को, एक उबेर वाला आदमी था सर, ये कोई बोलेगा नहीं आज सर, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी सर, वो मेरे वहाँ आया, मेरे को रोया, मैंने 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए माफ कर दिया सर। ठीक है, इनका क्या, इनका क्या? एक मिनट सुनिए गुप्ता जी, ओके, अभी ये इधर के फेज में है सर, सुनिए, ये आदमी गन्ने का जूस बेचता है और पैसा कमाता है सर, ये आदमी को मैंने सर क्या किया मेरे सर, इधर कहानी मत सुनाइए, इधर हम लोग ये बात कट हो रहा है, सुनो वो क्या बोल रहा है, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लिख कर दे दो, 1.5 साल से 2 साल में ये पोजीशन दे दूंगा, 1.5 साल से 2 साल में पोजीशन दे दूंगा, मैं दे रहा हूँ ना, 1.5 से 2 साल में पोजीशन दूंगा, आपका कंसर्न 10 दिन में काम चालू, मगर मैं सुन दूंगा, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं दादा, 10 दिन में काम चालू, काम चालू 10 दिन में होने वाला है, 10 दिन में चालू है, एक मिनट साइलेंट, मेरा में एक मिनट प्लीज, सीता जी बोलिए क्या बोलना है सर, मेरा कहना बस यही है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, पंकज सीता, पंकज सिंह, ओके, एक मिनट बहन, नहीं नहीं पहले उनको सुन लीजिए ना, पहले उनको सुन लीजिए, क्या बोल रहे, बोलिए पटेल जी, आपका जो भी प्रॉब्लम है सर, जो कुछ भी है उसमें हमारी क्या गलती है, हमने कौन सा गुनाह किया है, कोई गलती नहीं है, गुनाह ये है कि डीए सर, सुन लीजिए ना, हमने आपके ऊपर ट्रस्ट किया 100% और हमने पैसे आपको जैसे जैसे डिमांड आया हमने आपको दे दिया सर, मैंने खुद ने 11 लाख रुपए का चेक आपके हाथ में इमीडिएटली मैंने दिया था, और वो मेरी कमाई जो थी ना सर, सुनिए ना सर, हस्बैंड अभी मैं तो अकेले, 5 लाख रुपए छोड़ दिया तो बताइए आपने सर, सुनिए ना, वो बताइए, छोड़िए वो, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड इसलिए मेरे साथ में नहीं आया है क्योंकि हमको हमारा घर नहीं मिला और हम दोनों में डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, उसके लिए नहीं आए हैं, आज हम लोग के हस्बैंड वाइफ के बीच में सर डिस्प्यूट हो गया है विदाउट घर के, आज हम लोगों को घर नहीं है, मेरी अपनी पूरी कमाई सर, सुनिए, मैंने अपनी पूरी कमाई सर, तो फिर एक काम कीजिए ना, रेरा में आप एक काम करो, रेरा में से सीधा विड्रॉ करो, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं बना सकता हूँ, और सर आप बोलने वाले ट्राइब्यूनल, सुनिए बोल ये कैसे बात करते मेरे, हाँ तो फिर आपके साथ गाली देके सर, मेरा पैसा दे दिया मैंने, गाली दे दिया, सुनिए मैं काम कर, एक मिनट मैं भी मेरे को छोड़ो, एक मिनट ट्राइब्यूनल सुन के लिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आप सर सॉरी, एक मिनट डीएचएफ का नाम बताया, मैं डीएचएफ बैंक में गया था, डीएचएफ बैंक क्या बोलती है कि हमने इनको जो फंड दिया वो इन्होंने दूसरी जगह पे यूज किया, सॉरी हमारा पैसा डीलर का, अच्छा फिर हमारा पैसा डीलर का, लेटर ला के दो, मैं 90 करोड़ का क्लेम ठोका है भाईजान, हाँ मैंने डीएचएफएल पे डीआरटी वर 90 कोटी का मैं क्लेम ठोका, मेरा 90% अमाउंट गया किधर, आज माझा रेपुटेशन धावा लागलाय, मेरा 90% अमाउंट गया किधर, हे पहिली बिल्डिंग नाही बनवत सर, मी कॉन्ट्रॅक्टर होतो, कुठली बिल्डिंग बांधली आम्ही साहेब, मी तुम्हाला परत सांगतो, एक मिनट ना, वो आप लोग का जो है, मैं ऑडिट रिपोर्ट सर, कोई है एक 4-5 लोग सामने आओ, आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूँ, पैसा किधर गया है, क्या लगा हुआ है, किधर सब है, सब आपको दिखेगा सर, इसमें आप लोग ने जो पैसा दिया उसके ऊपर से मैंने 15-10-12 करोड़ डाला है, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट सर, मैं क्या एग्रीमेंट, आप वॉलेट क्यों कर रहे हैं, कितने बार करेंगे वॉलेट, आपका एग्रीमेंट सर, एक मिनट किया 2018 का मुझे पोजीशन डेट दिया, 2 साल में सत्ता माता बटावर बनने वाला था, क्या कैसे दिया आपने, नहीं तो सर ऐकून गया, मेडिकल से मैडम ने आपल्याला काय ऐकायचं आहे, काय म्हणतो है आपको, कैसे भी करके 1.5 से 2 साल में बिल्डिंग पूरी करके दे, आप रेरा में मत बोलो यार, मेरा पैसा लगा, आपका बजट रेरा में बताइए, हमको लगा हुआ है, पता नहीं चलता है सर, मैं छोड़ क्यों छोड़ दिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा मैं क्या बोल रहा हूँ, सर मेरे घर
आजच्या तारखेत मी तुमचा प्रोजेक्ट 1-2 वर्षांमध्ये कंप्लीट करतोय. 10-15 दिवसांमध्ये मी काम चालू करतोय आणि आपण पुढे जाऊ. प्लास्टर तो सड गया. नाही नाही सब नया बना के दिल जाए. पहले भी काम चालू हुआ था. आपने मटेरियल डाला अच्छा रिपोर्ट नहीं जाएगा. काम बंद हो गया. ये तो अभी है प्लास्टर निकल गया. सर मेरा नॉस्ट कौन है सर. मैं काम पूरा कर रहा हूँ. काम चालू कर रहा हूँ. 1.5-2 साल में आपको मैं फ्लैट दूंगा. पटेल जी एक लास्ट सवाल है मेरा. जब सर आप मीडिया से हैं. हाँ मीडिया से साथी हमारे. हाँ ये जो शुरुआत में आपने ओपनिंग की थी जिसमें क्या क्या गिफ्ट रखा था आपने. जब आएगा सर जो भी बोला गया है वो होगा. और एंड कैसा है उसके बारे में बता दीजिए. सर एंड भी अच्छा ही होगा. जो मेरे पे आज तक मेरे साथ में है आप लोग सब हो. मैं अच्छा एंड करूंगा. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सर ये सबकी बातें सुनने के लिए. सर मैं आप सर DHL अरे सर मैं भी बैंड हो गया सर. अरे परिवार टूट रहे महेश भाई. सबसे बड़ी बात है घर घर की छत लेने के चक्कर में पति पत्नी के विवाद हो गए. माँ बाप के बेटे में विवाद हो गए. परिवार विभाजित हो रहे. सर मेरी बात सुनिए. सर आई एम हियर ओनली. सर मेरा एक रिक्वेस्ट है. मैं जब आपके बाहर की जिंदगियां उजड़ रही है घर परिवार उजड़ रहे आप कहाँ है. 84 फ्लैट्स मैंने रख दिया बना के. तो ये भी बनेगा. 1.5-2 साल बनेगा. लेकिन कभी हम लोग कब तक रुकने का. मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ. 2013 में किया था. एक मिनट ये बोल रहे ना कि कंसर्न दे रिटर्न मिलने के बाद. इनका एक्सटेंशन मिल नहीं रहा है. हम लोग मिलने के बाद हाईकोर्ट का नोटिस भिजवाए. मेरा बाप एडमिट हुआ. 4 लाख का खर्चा क्या वो देगा क्या तुम. मेरा डिवोर्स का चल रहा है इनके चक्कर में. फैमिली मैटर जो ले आ रहा पटेल साहब क्योंकि उनको सपने का घर नहीं दिया आपने. सर उनके सपनों का घर नहीं दिया आपने इसलिए फैमिली मैटर आया. आपके घर में छटा छट लोग नहीं आ रहे. फैमिली मैटर रुको पटेल साहब. आप कैपेबल नहीं थे तो आपने ओपनिंग क्यों किया था. इनका पैसा क्यों लिया था. जब आप कैपेबल नहीं थे तो 21 करोड़ काम चालू कर रहा हूँ. मुझे एक बात बताइए. बाद में मटेरियल एक मिनट दूसरा हमको काढू नका. महेश भाई रुको जरा साहब. तुम्ही गायकवाड़ साहब तुम्ही साहब. आप 5 लोग हैं ना. आप में से 5 आइए बैठिए मेरे साथ. को ना महेश भाई 5 लोग अभी इनके साथ बैठिए. ये रिटर्न में आपको जो देने की बात कर रहे हैं उस पे बात कीजिए और उसको ऑन पेपर ला करके क्या है वो बात करके. सर सुनिए ना. एक सवाल बाकी है. एनओसी बोल रहे हैं नहीं मिला तो कहाँ से लेके आएंगे. 10 दिन में कहाँ से जो दे रहा है वो तो देखो. पहले रिटर्न में तो लो. पहले ऑन पेपर तो ले लो. लेटर हमारे पास है. जो रोकती है ये बाजार रेरा भी है इनके साथ. महेश बिल्डर चोर है. कपड़े उतार दिए इसने. घर में रहने लग नहीं रखा. सड़क छाप में सड़क मिला दिया हमको. लोगों के कपड़े उतर गए घर चले गए लेकिन घर मिला नहीं. महेश बिल्डर हाय हाय. महेश बिल्डर हाय हाय. महेश बिल्डर चोर है. हाय हाय. मनोज बिल्डर चोर है. हाय हाय.
अगले टाइम से अपन ये गाले में का पूरा एकोमोडेशन ले लेंगे, गाला पूरा अपन ले लेंगे अभी अगले टाइम से। हमारे पैसा लगा हुआ है उसके बाद भी है ना, वो इधर गाले में रहने को आएंगे। पैसा किधर के इधर लगाए ना, हमारा ही है हमारे गाला अपना ही है।